गांव में घुसा शहर का कचरा, खेत बाग से लेकर घर तक गंदगी ही गंदगी। बारिश के बाद फैला डंपिंग ग्राउंड का मलबा, आसपास के लोगों का जीना हुआ मुहाल। ये हाल है कर्नाटक में मंगलुरु जिले के पचनाड़ी इलाके का, जहां बीते दिनों भारी बारिश के बाद डंपिंग ग्राउंड का मलबा और इसका गंदा पानी आसपास के गांवों में फैल गया। नारियल और सुपारी के बागों से लेकर लोगों के घरों के आसपास हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि लोग गंदगी और मच्छर मक्खियों से परेशान होकर अपना घर तक छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। सब ये आता है, रोग आता है, सांक्रमिक रोग आता है, डोंगू है, इधर मलेरिया है, और दूसरा है ना सोले के जान पे मॉस्किटो, ये सब इधर है। ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम, पीपल आर लॉस्ट देयर लैंड, देयर हाउस एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, सो इट इज वेरी सैड टू सी द सिचुएशन हियर। द पीपल आर फ्रॉम हियर, दे हैव वैकेटेड देयर हाउसेस एंड दे हैव गॉन एल्सवेयर टू लीव देयर लाइफ। And we see so many children also are in this area breathing this dirty air and also drinking this dirty water. Very feel sad to see they are living just like animals. तकरीबन 70 एकड़ में फैले पचनाड़ी कचरा डंपिंग ग्राउंड में मंगलुरु नगर निगम बीते 30 साल से शहर का कचरा फेंक रहा है। इसे फैलने वाली बदबू के खिलाफ लोगों के एतराज के बाद नगर निगम ने इसे बालू से ढकवा दिया था, लेकिन बारिश के बाद बालू बह गया और गंदगी की समस्या ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। इसे रिहायशी इलाके के ही नहीं, आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी खासे परेशान हैं। अराउंड 3000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर, ऑल द टाइम द फ्लाइज फ्रॉम दिस पचनाड़ी द डंपिंग एरिया डिस्टर्बिंग अस, एंड आई ऑल द टाइम आई फील वेदर वी डोंट हैव द राइट टू लिव, टू ब्रीथ अ क्लीन एयर एंड टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग। What are the government officials doing? मंगलुरु में बने ये हालात न केवल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दावों बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के मकसद को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर शहरों के कचरे से गांव कब तक तबाह होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।